हेलो गाइस, चलो आज हम देखते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ये टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है गाइस, कि जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज होगी। व्हेन लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइजेस, व्हेन लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस, कब जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होगी, ये दिया है आपका इस चैप्टर में, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखो वहां पे लिखा है, टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट व्हेन लायबिलिटी टू चार्ज द जीएसटी अराइजेस। तो कब जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी, वो आपको टाइम ऑफ सप्लाई में दिया। इट ऑल्सो इंडिकेट्स व्हेन अ सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन मेड, तो सप्लाई कब हुआ ये भी आपको उससे पता चल जाएगा। ओके तो बहुत सिंपल सेक्शन है, अपन फटाफट देखते तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहला सेक्शन है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके तो टाइम ऑफ सप्लाई दिया है सेक्शन 12(1) में। 12(1) क्या बोलता है जरा देखो, बहुत ही सिंपल सेक्शन, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन द गुड्स शॉल बी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन आप गुड्स का सप्लाई करोगे उस दिन लाइबिलिटी टू पे द टैक्स अराइज हो जाएगी, राइट। वेरी सिंपल सेक्शन, जिस दिन आप गुड्स का सप्लाई करोगे उस दिन लाइबिलिटी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, एज डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। चल अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज 12(2). ओके चल देखो क्या बोलता है, व्हेन द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम और प्रिस्क्राइब पीरियड अंडर सेक्शन 31(1). अभी क्या है देखो, जब मैं आपको इनवॉइस नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो इनवॉइस नाम के इनवॉइस चैप्टर में सेक्शन 31(1) है, और वो 31(1) बोलता है, नीचे दिया भी आपको वैसे, इनवॉइस की ड्यू डेट क्या होना चाहिए, कब तक आपको इनवॉइस को इश्यू करना है, ये दिया है सेक्शन 31(1) में। तो अभी अपन पहले ऐसा मान के चलते कि इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो चुका है, मतलब 31(1) के हिसाब से इश्यू हो चुका है। इफ योर इनवॉइस इज इश्यूड एज पर द लिमिट और एज पर द ड्यू डेट मेंशन इन सेक्शन 31(1), तो फिर व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड शॉल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके अर्लियर होगा जरा देखते अपन, डेट ऑफ इनवॉइस, देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बीइंग इट इज इश्यूड विद इन टाइम लिमिट, है ना, अपन लिख लेते हैं बीइंग इश्यूड विद इन टाइम लिमिट या ड्यू डेट। तो अगर इनवॉइस ड्यू डेट या टाइम लिमिट के अंदर इश्यू हुआ है 31(1) के ऑफ 31(1), तो फिर क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। मतलब क्या, देखो ये है आपका सप्लायर, या पहले दो डेट में समझा देता हूं आपको, देखो TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस और सेकेंड रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, ऐसे लिखा है वहां पे। ओके अब देखो ये है बाय सप्लायर, है ना, तो ये मिस्टर एक्स बीइंग सप्लायर। ओके ये सप्लायर, अब ये सप्लायर ने मिस्टर वाई को गुड्स भेजा, जिस दिन मिस्टर वाई इसको पेमेंट करेगा वो माना जाएगा आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मिस्टर एक्स के एंगल से क्या हो जाएगा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट, आप जिस दिन इनवॉइस इशू करोगे इसको इनवॉइस इशू करेंगे या फिर ये आपको पेमेंट करेगा, विच एवर इज अर्लियर, तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो देखो ये जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है ये दो प्रकार से हो सकता है, जैसे देखो कि आपको चेक मिल गया, चेक मिल गया तो आपने, आपको चेक मिला मान के चलो 28
नवंबर 2017 को आपको चेक मिल गया, तो आपने बुक्स ने बुक्स में एंट्री ले ली आपने, राइट, बुक्स में एंट्री आपने ले ली, लेकिन वो चेक बैंक में क्लियर हुआ 2 दिसंबर 17 को, तो बैंक में क्रेडिट कब हुआ, देखो बैंक क्रेडिट 2 दिसंबर को, और बुक्स में क्रेडिट कब हुआ बेटा 28 नवंबर को। तो अब सवाल हुआ इनमें से कौन सी डेट लेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की, तो उन्होंने बोला इसमें से विच एवर इज अर्लियर इज योर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर ये हो जाएगी आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो क्रेडिट इन बुक्स और क्रेडिट इन बैंक, विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट इन बुक्स और क्रेडिट इन बैंक, विच एवर इज अर्लियर इज योर व्हाट बेटा, देखो वहां पे लिखा है बुक्स में क्रेडिट या फिर बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर इज योर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, राइट। और वो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को आप कंपेयर करेंगे फिर इनवॉइस के, और इन दोनों का जो अर्लियर होगा, इन दोनों का जो अर्लियर होगा वो माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। गेटिंग द पॉइंट? यस। लेकिन ये तब होगा बेटा अगर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 31(1) इशू हो चुका है। ओके, तो अगर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 31(1) इशू हो चुका है तो फिर हम क्या देखेंगे, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज सिंपल, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो चलो देखते हैं फटाफट क्या बोलता है, देखो ये तो अभी देख लिया। एक्सप्लेनेशन वन, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड बी सप्लाई शॉल डीम टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट कवर्ड इन द इनवॉइस, तो जितना इनवॉइस में लिखा गया है उसी को हम सप्लाई मानेंगे, और एज द केस में बी इन केस ऑफ पेमेंट। और वो जो बताया बैंक में क्रेडिट बुक्स में क्रेडिट वो भी देख लो। क्लॉज बी के लिए, क्लॉज बी मतलब ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट शॉल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज entered in books of account or the date on which payment is credited to the bank whichever is earlier, तो जो earlier होगा वो बना जाएगा, right। तो देखो अगर invoice time पे issue किया है 31(1) के, तो invoice और receipt of payment whichever is earlier, simple। चल अब देखते हैं कि invoice time पे issue नहीं हुआ तो क्या होगा। invoice time पे issue हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर invoice time पे issue नहीं हुआ, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, जाओ मैं invoice ही issue नहीं करता तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, अगर आप इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं करते हो तो हम ड्यू डेट देते, और वो ड्यू डेट में अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो वो ड्यू डेट इटसेल्फ माना जाएगा कि आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, राइट। तो देखो ये ड्यू डेट उन्होंने दो केसेस में दिया है, राइट। तो दो केसेस क्या है, देखो वहां पे दिया आपको, अ रजिस्टर्ड पर्सन, a registered person supplying the taxable goods before or at the time of, तो आपको invoice कब issue करना है, before or at the time of क्या, before or at the time of क्या, removal of the goods or making of goods या delivery of goods making available to the recipient। क्या मतलब हुआ इसका, पढ़ो आप एक बार, देखो वहां पे पढ़ो, खुद पढ़ो एक बार, चलो देखो। अगर गुड्स का मूवमेंट है, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब क्या, मैं यहां से आपको आपके घर तक गुड्स पहुंचा के दे रहा हूं, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, इफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, देन जब आप गुड्स को रिमूव करोगे, जब आप गुड्स को रिमूव करोगे या उस दिन के पहले आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, आपके समझ में आया। तो देखो मैं आपको गुड्स, रिमूवल ऑफ द गुड्स का केस है, तो मैं आपको गुड्स रिमूव कर रहा हूं, मान के चलो 28 नवंबर 2017 को, इस दिन मैं गुड्स को रिमूव कर रहा हूं, तो इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए, इससे पहले कभी भी या इस दिन तक, इस दिन तक। अगर इस दिन के पहले या इस दिन तक इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो इसी दिन को माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस, और फिर उसको कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ, समझ में आपके। तो देखो इफ द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स shall before or at the time of removal of the goods for the supplier, for supply to the recipient where the supply involves movement of goods, agar
गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाने वाले है, उस केस में जिस दिन गुड्स रिमूव हुए या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है. गेटिंग द पॉइंट? और अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है, गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो क्या है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स मेकिंग अवेलेबल और मेकिंग अवेलेबल. डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग मतलब क्या, जैसे आप मेरे शॉप में आए और वहां से ही गुड्स आपने परचेस, गुड्स वहां से परचेस कर ली. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे देखो, या फिर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां पे प्लेस पे जाके आपको इंस्टॉलेशन करके देना है, बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है, वो बड़ी मशीनरी को आप फैक्ट्री में आके मैं इंस्टॉल करके दे रहा हूं. बराबर, यहां मूवमेंट है क्या गुड्स का? देखो नहीं, क्योंकि वो मशीनरी तो वहीं पे फिट हो रही ना. तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी का एग्जांपल मैंने दिया, आप मेरे शॉप में आके वहीं से आप गुड्स ले रहे हो, मतलब मूवमेंट नहीं है, वहीं पे आपने पैसे दिए और मैंने गुड्स आपको दे दी, राइट? तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स. या मेकिंग अवेलेबल, मेकिंग अवेलेबल मतलब वो मशीनरी आपके फैक्ट्री में लाके अवेलेबल करवा के दे दी उस दिन तक. अगर मूवमेंट है तो जिस दिन आपने गुड्स को रिमूव किया उस दिन या उस दिन के पहले, और अगर डिलीवरी ऑफ द गुड्स है मतलब मूवमेंट नहीं है और मेकिंग अवेलेबल है, तो जिस दिन मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा या डिलीवरी ऑफ गुड्स दूंगा उस दिन को, वो दिन आखिरी दिन माना जाएगा इनवॉइस इश्यू करने का. अगर उस दिन आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो उस दिन आपका इनवॉइस डीम टू बी इश्यूड ऐसे माना जाएगा. आप समझ रहे हो? तो देखो वहां पे लिखा है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केस इश्यू अ टैक्स इनवॉइस. उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, शोइंग द डिस्क्रिप्शन, और इनवॉइस में सब रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, वैल्यू रहेगा, चार्ज देयर ऑन एंड सच अ पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब. समझ? तो देखो, आई विल समराइज वंस, सिंपल है. देखो क्या, अगर तो व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी इनवॉइस और of payment whichever is earlier. Very simple. खत्म हो गया. Okay? मतलब invoice time पे issue हो चुका है. अगर अब invoice का time limit क्या है आपका time पे issue करने का 31(1) में, तो उन्होंने बोला अगर आपके goods की movement हो रही है, मतलब movement वाले goods है, तो फिर जिस दिन remove किए या उस दिन से पहले, और अगर movement नहीं है तो जिस दिन delivery दी या फिर customer को making available किया वो दिन तक आपको invoice issue कर देना है. Getting the point? Yes. Very simple. ओके, चलो लेट्स सी एग्जांपल, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. और देखो नेक्स्ट पेज छोड़ दो, उसके आगे के पेज पे एक एग्जांपल, एग्जांपल वन देखो वहां पे लिखा, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट और मेकिंग अवेलेबल, है ना? तो अपने लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है बताओ, इनवॉइस अर्लियर, ये इनवॉइस का डेट है और ये पेमेंट है, विच एवर इज अर्लियर, देखना आप, राइट? और इनवॉइस मालूम है आपको ड्यू डेट कब है, राइट? तो देखो पहले दिया डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल 25/11, तो इस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट? इस दिन या इस दिन के पहले तक. तो क्या इनवॉइस इशू हुआ है क्या? देखो 20/10, यस इनवॉइस इशू हो चुका है. तो चलो विद इन टाइम लिमिट है, तो विद इन टाइम लिमिट है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. आपके समझ में आ रहा है? तो इनवॉइस और पेमेंट, देखो इनवॉइस का डेट दिया आपको और पेमेंट का डेट दिया, विच एवर इज अर्लियर. तो क्या अर्लियर है बताओ? 20/10, राइट? चलो वेरी गुड. सेकेंड केस देखो, 25/11 को गुड्स निकल गए, ओके? 25/11 तक या उस दिन से पहले इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए. हुआ है क्या? नहीं, इनवॉइस इज नॉट इश्यूड, मतलब ये डेट आपके काम की नहीं है. तो आप किसको कंपेयर करेंगे? आप कंपेयर करेंगे 25/11 और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. क्या अर्लियर है बेटा? 25/11. ओके, चलो अगेन 25/11 को रिमूव हो गए गुड्स या मेकिंग अवेलेबल हो गए, क्या उस दिन तक इनवॉइस इशू हुआ है? नहीं, ये डेट काम की नहीं है. तो 25/11 कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, 28/11 25/11, फिर 25/11 इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, 20/11 को ही, मतलब एडवांस में पैसे मिल गए थे. देखो पैसे पहले मिल गए, इनवॉइस बाद में इशू हुआ और गुड्स भी बाद में गए. ओके, तो फिर उस केस में क्या आएगा आपका? देखो 20/11 विच एवर इज अर्लियर. ओके, फिर देखो 25/11 इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, नहीं उस दिन से पहले नहीं हुआ. तो फिर देखो क्रेडिट इन बुक्स और बैंक दिया है. अब पहले इनमें से अर्लियर देख लेते, इनमें से अर्लियर क्या है बेटा? 22/11, और 22/11 को आप कंपेयर करेंगे 25/11, तो आएगा 22/11. यस, 25/11 इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हो चुका है, 24/11 20/11 बुक्स में एंट्री है 20/11 की, 20/11 विच एवर इज अर्लियर, और उसको कंपेयर करेंगे 25/11.
यस करेक्ट। तो सिंपल 12 में अपन ने देखा इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हुआ है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो ड्यू डेट इज इटसेल्फ अ डेट ऑफ इनवॉइस। इज इट क्लियर? यस, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, अब कंटिन्यूस सप्लाई के केस, कंटिन्यूस सप्लाई। अब कंटिन्यूस सप्लाई मतलब क्या होता है? जहां सप्लाई इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने का पीरियड होता है तो अपन उसे कंटिन्यूस सप्लाई बोलते हैं, राइट? कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है। अब उसके केस में कैसा माना जाएगा, जरा देखो इन्वॉइस की ड्यू डेट क्या होगी, देखते ड्यू डेट। तो देखो जैसा हमने देखा नॉर्मल केस में ड्यू डेट, मेकिंग अवेलेबल और रिमूवल, तो इट कंटिन्यूस सप्लाई में इनवॉइस की डेट क्या, देखो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, पढ़ लो, द इनवॉइस शॉल बी इशूड बिफोर और एट टाइम ईच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस मे बी व्हेन ईच सच अ पेमेंट इज रिसीव। क्या मतलब वो इसका, देखो ये भी देखते अपन, अगर आपका कोई आपके कोई गुड्स है और उनका कंटिन्यूअस सप्लाई चल रहा है, जैसे देखो आई गिव यू एग्जांपल, आप ऑफिस में जाते होंगे तो ऑफिस में क्या होता है या घर में भी होता है ऐसे जनरली वाटर कैन आते होंगे आपके ऑफिस में, है ना, वाटर कैन, तो वो वाटर कैन डेली आते है ना, तो वो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाता है, आपने देखा होगा ऐसे स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट मतलब क्या, एक कार्ड रहता है या दूध आता होगा डेली, मिल्क आता है आपके घर में, राइट? तो ऐसा एक कार्ड रहता है, यहां पे लिखा रहता है डेट, डेट यहां लिखा रहता है लीटर, और यहां रहता है आपकी साइन, ऐसा कार्ड आता होगा अलग अलग फॉर्मेट में, तो दिस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब क्या, एक तारीख को कितनी बॉटल आया, कितने लीटर दूध आया, एक लीटर, फिर दो तारीख को 2 लीटर आया, 3 तारीख को 1 लीटर आया, 4 तारीख को 2 लीटर, एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट, देखो इन केस द कंटिन्यूअस सप्लाई वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट ऑफ और पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो आप पेमेंट सक्सेसिव मतलब पार्ट पार्ट में पेमेंट करेंगे या फिर सक्सेसिव स्टेटमेंट मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट बना हुआ रहता है, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है आपको, जिस दिन ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपका बन गया उस दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना है या उससे पहले इनवॉइस आपको इशू कर देना है, दैट इज ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो देखो वहां पे क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड द इनवॉइस शॉल बी इशूड, कब तक देखो, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच ईच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस मे बी ईच पेमेंट इज सच अ पेमेंट इज रिसीव्ड। तो लिख लो आप हिंदी में लिखो तो जल्दी समझ में आएगा, इनवॉइस शॉल बी इशूड, कब तक इशूड होना चाहिए, जिस दिन क्या हो गया बेटा, जिस दिन बोलो फटाफट, स्टेटमेंट इशू और पेमेंट रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो स्टेटमेंट इशू होना चाहिए स्टेटमेंट इशू वाले दिन या पेमेंट जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से पहले पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, राइट? तो देखो तो बेसिक रूल तो वही है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बेसिक रूल तो वही है। अब अपन देख क्या रहे बेटा कि वो इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है बेटा आपकी, जिस दिन वो स्टेटमेंट इशू हो जाए, दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस, राइट? जिस दिन वो स्टेटमेंट इशू हो जाए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिख लो आप, जिस दिन वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू हो जाए, That is due date, है ना? जिस दिन वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू हो जाएगा, दैट इज ड्यू डेट। और इसको कंपेयर करेंगे अपन किसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे अपन पेमेंट के साथ, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, है ना, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और इन दोनों का जो अर्लियर रहेगा वो रहेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ओके चलो देखो फटाफट,
एक एग्जांपल इसका भी देखो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, अभी यहां पे इस कॉलम का कोई काम ही नहीं है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स का। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का डेट, देखो ये काम का डेट है, इस दिन या इस दिन से पहले आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, ओके। इनवॉइस का दिन दिया है, डेट ऑफ पेमेंट दिया है, ओके। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के दिन इनवॉइस इश्यू हो गया क्या? नहीं, बाद में हुआ है, मतलब ये डेट अपने काम की नहीं है, दिस डेट इज नॉट अपने काम की नहीं है। तो अब इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के दिन को अपन किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा? पेमेंट के साथ, है ना, इसको पेमेंट के साथ, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या अर्लियर है देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के दिन, ओके। दूसरा केस देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 2/12 का है, इस दिन तक इनवॉइस या इस दिन से पहले इशू हो जाना चाहिए, क्या इनवॉइस इशू हुआ है? नो, यहां पे भी 3/12 है, मतलब ये भी काम का नहीं है। तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? अगेन पेमेंट के साथ, विच एवर इज टाइम ऑफ, है ना। तो देखो बेसिक रूल तो वही है, बेसिक रूल क्या है बेटा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पहले केस में अपन नॉर्मल केस में देखा ड्यू डेट 31/1 में, और कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में ड्यू डेट देखा जिस दिन आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बन जाएगा उस दिन तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। आया ध्यान में आपके? तो दिया है वहां पे एग्जांपल, देखो फटाफट। राइट, चलो देखो, सप्लाई ऑफ फिल्टर वाटर कैंस इन ऑफिस डेली बट बिल्ड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। एग्जांपल किसका ये? कंटिन्यूअस का। वो नीचे ले लो आप थोड़ा सा, है ना, इनवॉइस ड्यू डेट एज पर ये नीचे वाला पॉइंट 31/7 नीचे ले लो उसको। तो अब देखो, अब क्या ये दो हो गए आपके, एक नॉर्मल केस, एक नॉर्मल केस हो गया, दूसरा केस हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हो जहां पे कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, और तीसरा अगर गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे सेंड किया, है ना, ऐसा देखा आपने सीपीटी में, देखा होगा सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कि आपने गुड्स किसी को बेचे और उसका फिर अप्रूवल आने का है ना, ऐसा होता है बहुत बार कि आपने गुड्स को भेजा और फिर उसका अप्रूवल आने के बाद, या अप्रूवल आना मतलब क्या, एक्सेप्टेंस आना, है ना। तो एक्सेप्टेंस आने के बाद आप वो गुड्स का एक्चुअल एंट्री करते हो, राइट। तो देखो वहां पे क्या बोलता है, देखो इनवॉइस ड्यू डेट एज पर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और फॉर सेल्स और रिटर्न, अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो सेल्स रिटर्न हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो देखो वहां पे क्या बोलता है, पढ़ो आप एक बार क्या बोलता है, देखो वेयर द गुड्स बींग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल, आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजे, फॉर द सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। देखो मेन तो वही है, अगेन मैं आपको बता दू, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस आपको यह देखना है कि इनवॉइस की अब ड्यू डेट क्या है, इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है। तो आप पहले लिख लो, आप मैं बताता हूं, खुद लिखो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, लिखो इनवॉइस शॉल बी इशूड, इतना सब पढ़ने से अच्छा मैं लिख के देता हूं, इशूड कब इशूड, 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, वही वहां पे लिखा है। देखो तो अगर गुड्स आप अप्रूवल पे भेजते हो सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इनवॉइस कब तक इशू करना है आपको? इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल से 6 महीने, या फिर आपको देखना है गुड्स का एक्सेप्टेंस। अगर गुड्स का एक्सेप्टेंस पहले ही हो गया 6 महीने से पहले हुआ, तो फिर विच एवर इज अर्लियर। तो एक्सेप्टेंस पहले हुआ तो फिर एक्सेप्टेंस वाली डेट आएगी इनवॉइस की, और इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे? अगेन पेमेंट के साथ, विच एवर इज अर्लियर उसको कंपेयर करेंगे पेमेंट के साथ, राइट। तो चलो देखो वहां पे दिया सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ओके। तो देखो डेट ऑफ रिमूवल, यहां से आपको 6 months करके देखना है, राइट। डेट ऑफ रिमूवल से कितने महीने करके देखना है आपको? 6 months, गेटिंग द पॉइंट। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4/12,
डेट ऑफ रिमूवल 10/11 है आपकी, डेट ऑफ इनवॉइस 6/12 और डेट ऑफ पेमेंट है आपको 8/12। तो आप पहले तो इसको कंपेयर करने वाले हो, अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे वो देखना है आपको। जरा देखो, आपके गुड्स रिमूव हुए 10/11 को, 10/11 को सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे आपने रिमूव कर दिए गुड्स को, ओके। अब गुड्स एक्सेप्ट हुए आपके 4/12/17 को, राइट। तो हमने क्या देखा था कि एक्सेप्टेंस की डेट या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल कब होते हैं, देखो 11 12 1 2 3 4 5, मतलब 10 मई 2018 को 6 मंथ होंगे। तो ये दिन या फिर एक्सेप्टेंस के दिन विच एवर इज अर्लियर तक इनवॉइस आपका इश्यू हो जाना चाहिए। तो क्या अर्लियर है, देखो 4/12 तक आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, बराबर। मैं समझे क्या बोला आपको, चलो एक बार वापस बताता हूं। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल आते हैं 10 मई 18, या फिर जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया, विच एवर इज अर्लियर। क्या अर्लियर है, 4/12, उस दिन तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। तो क्या इनवॉइस इश्यू हो गया है, नहीं, मतलब वायलेशन है। तो जिस दिन एक्सेप्ट हुआ वो दिन पकड़ना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर पकड़ा, और इसको अपन ने पेमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो पेमेंट क्या है आपका, 8/12, देखो क्या, समझ में आपके, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल ऑफ द गुड्स 12/10/2017 करो, यहां पे 12/10/2017 इस दिन गुड्स को रिमूव किया। तो यहां से 6 मंथ पहले करके देखते हैं, कहां तक आएंगे बताओ, ये आएंगे 12 अप्रैल 2018, 12th April 2018 आएंगे, isn't it? Now you have to compare this 6 month with your date of acceptance, whichever is earlier. तो देखो क्या है, 12/4 और 2/5/18 है दोनों, 18 है, whichever is earlier. क्या है बेटा, 12/4/18, इस दिन तक invoice issue हो जाना चाहिए। क्या invoice issue हुआ है, क्या नहीं, 1/10/18 को October में कभी तो भी issue हुआ invoice, right? तो आप क्या मानेंगे बेटा, 12/4/2018, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इसको कंपेयर करेंगे पेमेंट के साथ, 28/4/2018, विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा, 12/4/2018। समझ में आ गया आपके। कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिस दिन इश्यू होते उस दिन तक आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है, और इन केस ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, या फिर मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया बताओ, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और जिस दिन गुड्स एक्सेप्ट हो गए उस दिन तक आपको इनवॉइस को इश्यू कर देना, करेक्ट। फिर देखो दिया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टैक्स इनवॉइस शॉल इंक्लूड इनवॉइस रेज्ड इन रिवाइज इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड विच एवर इज अर्ली, काम करी उसी के रिलेटेड। When invoice is not issued within prescribed time under section 31(1), अगर invoice issue नहीं किया गया तो, ये तो अपन already देखा, जिस दिन last day होंगी, मतलब due date, उसको compare करेंगे, किसके साथ compare करेंगे बेटा, date of receipt of payment। तो देखो, last date on which he is required to pay under subsection 1 of 31 to issue the invoice in respect of supply or date of receipt of payment, whichever is earlier, ये तो already देख चुके, तो इसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। चलो, एंड लास्ट वन, एडवांस अप टू ₹1,000। अभी भी क्या केस है, 2 मिनट में बता देता हूं। तो देखो आपको, ओके, और आपका बिल बन गया 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का बिल बन गया, और फिर आपकी वाइफ है आपके साथ, और आपके 4,000 रुपए का पूरा बिल बन गया, उसने बिल दे दिया आपको ₹4,000, और आपने, आपके वाइफ ने बोला आपको कि हबी मुझे किंडर जॉय लेके चाहिए, किंडर जॉय बीवी, अरे नहीं नहीं, हाँ दूसरा कोई चॉकलेट, हाँ डार्क चॉकलेट लेके चाहिए, दिल अच्छा रहता है उससे। तो आपकी बीवी ने आपको बोला कि मुझे डार्क चॉकलेट लेके चाहिए, तो आपने बोला हाँ, बीवी को कहा मना कर सकते आप, तो आपने बोला अच्छा ठीक है चलो दो डार्क चॉकलेट दो भाई एक, तो उसने आपको डार्क चॉकलेट दिया, और उसका ₹200 का डार्क चॉकलेट, कैडबरी डार्क चॉकलेट ₹200 का। तो अब देखो, अब ये तो बिल पूरा बन चुका था 4,000 रुपए का, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो अगर 1,000 रुपए तक का एक्सेस अमाउंट है, अगर एक्सेस अमाउंट 1,000 रुपीज तक का है, तो वो जो सप्लायर है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जो पुराना बिल है उसी में ₹200 ऐड करे, या फिर ये ₹200 के लिए नया इनवॉइस भी बना सकता है। तो देखो, एक नया इनवॉइस बनाओ, फिर उसका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ
वरीज अर्लियर देखो, तो उससे अच्छा आप 1,000 रुपए तक का पेमेंट है ना भाई, छोटा पेमेंट, छोटा पेमेंट है, तो आप पुराने इनवॉइस में भी उसको ऐड करके उसी के टाइम ऑफ सप्लाई के साथ इसको निकाल सकते हो। तो लेकिन ये कब होगा, अगर आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन तभी रहेगा सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो उसी इनवॉइस में इसे इंक्लूड करे, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वो पेमेंट कितने रुपए तक का है बेटा, 1,000 रुपीज तक का है। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, प्रोवाइडेड दैट वेर द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1,000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। तो इनवॉइस में कितना है बेटा, 4,000, और आपने कितना एक्सेस कितना है, 200 रुपए। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, मतलब ये 200 रुपए के लिए, एट द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है सप्लायर के पास, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट। तो इसके लिए एक नया इनवॉइस बनाए, या फिर वो इनवॉइस, वो वही इनवॉइस में वो अमाउंट इंक्लूड करें। सो दिस इज द ऑप्शन, ओके सिंपल। चलो तो अब एक बार फटाफट रिवाइज करते अपन इसको, और फिर लास्ट में आपको दिया वो मैं बता देता हूं एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। तो चलो क्या रिविजन है एक बार देखते। तो अगर इनवॉइस 12(1) में देखा टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन आप गुड्स को सप्लाई करोगे वो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएंगी। 12(2) में देखा इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट। इनवॉइस का ड्यू डेट 31(1) में हमें दिया था, अगर गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स की, तो जिस दिन आप गुड्स की मूवमेंट करोगे, राइट, और उसके पहले, और रिमूव करोगे या उससे पहले, और अगर डिलीवरी है मेकिंग अवेलेबल है, तो जिस दिन आप डिलीवरी या मेकिंग अवेलेबल करोगे वो दिन माना जाएगा आपका डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और उसको पेमेंट के साथ कंपेयर करें। कंटिन्यूअस सप्लाई है, तो जिस दिन आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओगे उसी दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, तो फिर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और एक्सेप्टेंस विच एवर इज अर्लियर, उस दिन इनवॉइस आपका इशू हो जाना चाहिए, और फिर उसको कंपेयर करेंगे पेमेंट के साथ, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ, ओके। और फिर हम लोगों ने कहा अगर 1,000 रुपीज से कम अमाउंट, तो फिर उस केस में सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो उसी इनवॉइस में उसको डाल सकता है, या फिर उसके लिए नया इनवॉइस बना सकता है, ओके। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स शॉल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, तो वहां पे पूरा दे दिया फिर आपको इनवॉइस और पेमेंट और डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल, है ना, वो सब अपन ने देखा, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो ये पूरे का जो अर्लियर होगा वो माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, और एक एग्जाम्पल आपको 1,000 रुपीज वाला भी दे दिया, उसको आप देख सकते, ओके। चलो बाकी सेक्शन 12-13 हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।